राधे राधे गुरु जी। हेलो, राधे राधे गुरु जी। राधे भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, खुश रहिए गुरु जी। मेरा एक सवाल था गुरु जी, जैसे हम लोग गांव में दुर्गा पूजा होता है, जैसे सरस्वती पूजा होता है, तो मूर्ति को विसर्जन किया जाता है नदी में, ये कौन सा परंपरा है गुरु जी? ये समझ नहीं रहे हैं गुरु जी, थोड़ा समझाइए हमको। मूर्ति धातु की भी बनाई जाती है, पत्थर की भी बनाई जाती है। हाँ गुरु जी। और मिट्टी की भी बनाई जाती है। हाँ गुरु जी। प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है, एक चल एक अचल। तो जो मिट्टी की दुर्गा जी बनाई जाती हैं, गणेश जी, माता जी, वो 9 दिन के लिए ही बनाई जाती हैं या 10 दिन के लिए। तो उनका जब 9 दिन का प्रतिष्ठा होती है, 9 दिन पूरे होने के बाद उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। ये विधान है कि वो मिट्टी की है, क्योंकि आप ज्यादा दिन रखेंगे तो वो खंडित हो जाएंगे, है ना। इसलिए हमारे यहाँ मंदिरों में मिट्टी की मूर्ति नहीं रखते, मंदिरों में धातु की रखते हैं, सोने की, चांदी की, अष्ट धातु की, या फिर शिला, है ना। तो ये विधान है, अब मिट्टी की बनाए हैं तो वो 9 दिन के लिए ही बनेंगी। ठीक है गुरु। उसी तरह आपको ये परंपराएं हैं, उतने दिन के लिए प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद विसर्जन होता है। गुरु जी एक सवाल और है मेरा। हाँ। जैसे गुरु जी, हम सोना या चांदी का धातु का मूर्ति गले में धारण कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं गुरु जी। एक सवाल है मेरा कि गुरु जी, मेरा भाई लोग सब, पूरा परिवार कथा सुन रहा है, सबको आशीर्वाद दे दीजिए गुरु जी। गुरु जी हम सुपौल बिहार से आए हैं गुरु जी। शराब तो नहीं पीते हो? नहीं नहीं गुरु जी, हम नशा कुछ नहीं करते हैं गुरु जी, सुपौल बिहार से आए हैं गुरु जी। और मांस मिलने का आपसा? मांस खाते हो? नहीं नहीं कुछ नहीं गुरु जी। फिर बढ़िया, हम 2-3 साल से आपसे जुड़े हैं गुरु जी, सही रास्ता चलते हैं, हम कुछ नहीं खाते हैं। सबको लेके आना वृंदावन। ओके सर, खुश प्रणाम गुरु जी आपके चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम। सुखी रहिए, सुखी रहिए। मैया बोलो। प्रणाम बाबा। 5 टा बच्चा है हमरा, सब बच्चा बड़ खुशी छे, लेकिन हमर जेठका बुआ जे छे वो बड़ दुखी छे। तो आप क्या चाहती हैं वो दुखी ना रहे? से बाबा हमरा रात का नींद नहीं होई छे। मैया, संसार का नाम ही दुखालय है। आप क्यों दुखी हैं? हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख पाता है। आप तो भगवान का स्मरण कीजिए, संसार का नाम दुखालय है। जैसे ना दिन हमेशा रहता है, ना रात हमेशा रहती है, उसी तरह ना सुख हमेशा रहेगा, ना दुख हमेशा, ये तो आता और जाता है। आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आपको कोई दुख है? हमको दुख नहीं है, लेकिन हमको नींद नहीं होता है। नींद नहीं आता है? तो अच्छा है, नींद नहीं आए तो भजन करो भगवान का और अच्छा है। नींद नहीं आए तो अच्छा है ना, भगवान का स्मरण करो, सो के क्या करेंगे, कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी, एक दिन तो है सोबना लंबे पैर पसारी। एक दिन तो सो ही जाना है सबको। अच्छा है कि आप भगवान के चिंतन में डूबे रहें। अर्जुन सोते ही नहीं थे, अर्जुन ने नींद को जीत लिया था। आप भी नहीं सोती, अच्छा है, जाग कर भगवान का स्मरण करो। जो सो रहे हैं उनका समय सोकर बर्बाद हो रहा, आप जाग कर भगवान का स्मरण कीजिए, ठीक है। हाँ, कोई दुख ही नहीं है जीवन में। जबरदस्ती आदमी रोता है, जबरदस्ती रोता है, जबरदस्ती, क्या करें मैया। सरकार रात का दिन नींद नहीं होता है तो बहुत दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है? मतलब नीचे नहीं लगता है, कदम माला हाथ में लेते हैं। भगवान का ध्यान कीजिए, नींद नहीं आता, अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। यदि नहीं आती, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, डॉक्टर को दिखाओ।